दोस्तों आज के स्टूडियो में बात करेंगे एक मोटिवेशनल पोयम जो कि है फाउंडेशन ऑफ लाइफ। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को पाते हैं और उससे पाने के बाद है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है और हम लोग फिर उसे कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से कि हाँ हमारे पास अगर इतनी बड़ी चीज़ है, अगर हमारे पास इतना संपत्ति है तो उसके पास हमारे हमसे ज़्यादा है। मतलब कि हम ये नहीं सोचते हैं कि जिसके पास हमसे कम है वो कैसे रह रहा होगा, बल्कि हम हमेशा उससे कंपेयर करते हैं जो कि हमें हमेशा अपने से ऊपर लगता है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जिसमें हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, उससे तुलना करते हैं। हम लोग उसी वजह से हमारा जो माइंड है वो हर चीज़ में एकदम बोल सकते हैं कि जो एक निगेटिविटी लाता रहता है। मतलब कि कोई अच्छी चीज़ को, जिस चीज़ में से आप अच्छी चीज़ को पा सकते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो उसमें से अच्छा पाते कम और बुरी बातें ज़्यादा निकाल देगा। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग किसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो अगर किसी के बारे में हम बुरा सुनते हैं तो वो बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अच्छा सुनते हैं तो उससे थोड़ा देर के लिए लगता है शक करने लग जाता है। और ये बात सही भी है क्योंकि यह जो हमारा दिमाग है एकदम उसी तरह से बना हुआ है, ह्यूमन माइंड। इसमें यह बताया गया है कि कैसे अगर हम लोग अपने फॉल्ट को सिर्फ देखें, अगर अपने गलती को सिर्फ हम लोग देखेंगे तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे हम लोग अपने परछाई को और सूरज को सिर्फ देखेंगे तो हम लोग सिर्फ उन दोनों ही चीज़ में कंपेयर करते रह जाएंगे कि जब सूरज निकल रहा है तो हमारी परछाई बन रही है, और जब अंधेरा हो जा रहा है, किसी अंधेरे जगह पर हम लोग चल जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी परछाई नहीं बन रही है। मतलब हम लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों में कंपेयर करते रह जाएंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम अगर रहेंगे, अगर हम जैसे एक ऑब्जेक्ट को भी ले लेते हैं किसी चीज़ को, अगर वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो उस पर लाइट अगर पड़ने से ना पड़ने से क्या मतलब, उसका शेडो नहीं बनेगा। मतलब कि अगर हम ही लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो सन के होने से क्या फ़ायदा, शेडो हो भी नहीं करेगा। जब हम सन हो या कुछ ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब हम लोग खुद को देखें अपने आप में, दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जिस पड़ाव पे हैं, जिस जगह पे हैं, जिस प्लेस पे हैं, उस चीज़ को देखें और उसके बाद उसमें आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि हर दूसरे चीज़ों से लेकर कंपेयर करने लग जाएँ। तो दोस्तों ये भी जो पोएम है सेम यही चीज़ को बताता है कि कैसे हम लोग हर बात बुरा ही खोजते रह जाते हैं, कभी अपने चीज़ों में अपने अंदर भी अच्छाई नहीं देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर इतनी अच्छाई देख लेते हैं कि उसे हम लोग घमंड करने लग जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अपने आप को एकदम बुरा फील करने लग जाते हैं कि नहीं मैं तो उससे कमज़ोर हूँ। ये दोनों ही अधिक मात्रा में कभी सही नहीं होते हैं। हमें दूसरे के से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस बात में कि वो कितना अच्छा है, उसके बाद क्या अच्छा है कि उससे हम लोग ले सकें। ऐसा नहीं कि उसके पास बुराई भी है तो उसे कंपेयर करने लग जाए कि भाई उसके पास इतना स्ट्रेंथ है, हमारे पास सिर्फ इतना ही है। इसलिए सिर्फ अपने में अच्छा देखें, अपने आप पे विश्वास रखें और जो चीज़ हम हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आप दूसरे चीज़ पर ध्यान दे दें जिसके आपके ऊपर कोई महत्व ही नहीं है। आप किसी दूसरे आदमी से कंपेयर कर रहे हैं और आप ही नहीं रहेंगे तो कंपेयर करने की क्या जरूरत है। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने जो थिंकिंग है, अपने सोच पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।